यूपी के चुनाव में ट्रिपल तलाक का भी बड़ा मुद्दा अब बनने जा रहा है। इसके संकेत आज पीएम मोदी ने खुद दे दिए। बुंदेलखंड के महोबा में बीजेपी की रैली में पीएम मोदी ने आज ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर पहली बार चुप्पी तोड़ी। पीएम मोदी ने कहा कि इसे हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो पक्ष रखा है वो उस पर अभी भी कायम है। बुंदेलखंड के महोबा की धरती से प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का चुनावी बिगुल फूंका। प्रधानमंत्री मोदी ने जहां बुंदेलखंड को वीरों की भूमि बताया, तो तीन तलाक के मुद्दे पर पहली बार अपनी चुप्पी भी तोड़ी। पीएम मोदी ने कहा कि ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और इसे हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। चुनाव अपनी जगह पर होते हैं, राजनीति अपनी जगह पर होती है, लेकिन हिंदुस्तान की मुसलमान औरतों को उनका हक दिलाना, भारत के संविधान के तहत दिलाना, ये सरकारों की और समाज की जिम्मेवारी होती है। मैं हैरान हूं, हिंदुस्तान की कुछ पॉलिटिकल पार्टियां वोट बैंक के भूख में 21वीं सदी में मुस्लिम औरतों के साथ अन्याय करने पर तुले हुए हैं। ट्रिपल तलाक का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। सरकार और मुस्लिम संगठन इसे लेकर आमने सामने हैं। लॉ कमीशन ने लोगों से ट्रिपल तलाक पर राय मांगी है। मुस्लिम संगठन इसे समान आचार संहिता थोपने की कोशिश बता रहे हैं। हालांकि पीएम मोदी इन आरोपों को नकारते नजर आए। कुछ मुस्लिम बहनों ने अदालत में अपने हकों की लड़ाई लड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने हमें पूछा कि आप भारत सरकार क्या कहती है,